नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। एक बार मैं रूपा सिंह फिर हाजिर हूँ जन समस्या से जुड़ी हुई खबर लेकर, जिसमें खनिज माफिया लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। रीवा जिले में माफिया अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा दी हैं कि अब प्रशासन को इनके खिलाफ कार्रवाई करने में पसीना छूट रहा है। खासकर बनकुइयों और जेपी नवस्था क्षेत्र में यह कारोबार जमकर फैल फूल रहा है। हद तो तब हो गई जब सीमेंट फैक्ट्री और चल रहे क्रशरों से लोगों को लाभ मिलने की जगह जान आफत में फंसती नजर आ रही है। दरअसल मामला बनकुइयां क्षेत्र का है, जहां रीवा सिमरिया मार्ग में स्थित दादर मोड़ से एक दर्जन गांव को जोड़ने वाली सड़क के दोनों तरफ जेपी सीमेंट फैक्ट्री और खनिज माफिया के द्वारा गहरी खाई बना दी गई है, जिसके चलते आए दिन सड़क दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं और कई बार लोगों की जान इन गहरी खाइयों में गिरने से जा चुकी है। कई बार शिकायत की गई, लेकिन पुलिस प्रशासन के साथ साथ ना तो खनिज विभाग खनिज माफिया पर अंकुश लगा रहे हैं, ना ही इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही हो रही है, जिसके चलते इनके हौसले बुलंद हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि आए दिन बाइक सवार गहरी खाई में गिरकर घायल हो जाते हैं। वहीं सड़क के दोनों तरफ गहरी खाई होने से कभी भी गंभीर घटना घटित हो सकती है, क्योंकि यहां से हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन गुजरते हैं। आम व्यक्तियों के साथ साथ स्कूली बसें फर्राटे मारते हुए निकलती हैं, जो कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकती हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि 1994 से यहां लीज संचालित है। शासन के आदेश थे कि पत्थर निकालने के बाद उनको समतल किया जाए और वृक्षारोपण किया जाए, लेकिन खनिज माफिया धरती का सीना चीर का पत्थर तो निकाल लिया करते हैं, पर ना तो इसे समतल करने की जरूरत समझते हैं, ना ही वृक्षारोपण करने की, जिसके चलते पूरे क्षेत्र के लोगों की जान आफत में है। ऐसा ही नहीं, इन घटनाओं की जानकारी पुलिस प्रशासन, खनिज विभाग और जिला के आला अफसरों को दी गई है, जबकि जानकारी होने के बावजूद सत्ता दबाव में माफिया के सामने अधिकारी भी घुटना टेक चुके हैं। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि बस्ती की तरफ जाने वाली सड़क के दोनों ओर खोदे गए गड्ढों को प्रशासन पटाई कराए, जिससे लोग इस रास्ते से बिना जोखिम के आवागमन कर सकें। आइए आपको सुनाते हैं मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने पूरे मामले को लेकर क्या कहा है। भाई साहब, ये रोड के किनारे ये दादर के रोड जाती है, रोड से बिल्कुल लगा हुआ खोदा गया है, क्या नियम है इसका, क्योंकि आप इसकी लड़ाई लड़ते रहे कई बार इसमें। भैया कैसे चल रहा है भैया? ये है 94 से जेपी सीमेंट को लीज पर मिली है, और इसमें ये है कि पत्थर तोड़ाओ और पीछे से मिट्टी डालकर पेड़ पौधा लगाओ, लेकिन 94 से आज तक कहीं भी एक भी पौधा जेपी सीमेंट द्वारा नहीं लगाया गया। बकायदा रोड खोद दी गई, जिसका अभी एक्सीडेंट भी हो चुका है, लोगों ने बताया। और आप देख लीजिए कि इस बार नियम है कि रोड से 50 मीटर की दूरी पर खनन प्रक्रिया होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, आए दिन इस समय कम से कम दो गाड़ी हमारे यहाँ के लड़के जाते हैं स्कूल, किसी समय गाड़ी जा सकती है इसके अंदर, तो कम से कम वो इतना करे कि पत्थर निकलवा लिया है लेकिन मिट्टी से एक फिलिंग करवा दे। शिकायत नहीं हुई अधिकारियों से? नहीं, शिकायत है, अधिकारी आते हैं, रात में यहाँ सब काम चलता है, दिन में आके चले जाते हैं, देखने के लिए आते हैं बस, पूर्ति कर। जी 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 हाँ, और एक इंस्पेक्टर हैं वीर सिंह जी, वो अकेले आते हैं यहाँ, तो अब बगल में दारू की दुकान भी हो गई है, 40 लड़के डेली दारू पी के बैठे रहते हैं, क्या पता है किससे ऊपर हमला कर दे, आप ही आए हैं, आप ही के ऊपर हमला हो जाए। किसकी लापरवाही मानते हैं सभी? ये तो हम मान रहे हैं प्रशासन की लापरवाही, चूँकि जहाँ पर दारू की दुकान सनसन है वो है बनकुइयां में, खुली मरहा में है, और वो भी रोड के किनारे शासकीय आराजी में खुली है, तो उसका सब खिला सुखिला जी, रोड किनारे खोदा गया है जी, किस तरह से इससे घटनाएं घटती हैं, किसके द्वारा खोदा गया है ये? सर वही में हदक गिर जाते हैं, ऐसे चौंक जाते हैं गाड़ी से, एक खदर का देख ले, एक कौती अघय नहीं आए, कहाँ की गाड़ी भर रुक जाए, सीधे आए जेपी के, या जेपी वहाँ से खोदाए रहा है, अब हदन बिल्कुल रोड के किनारे हो गया, ये सब गलत ढंग से जी रोक से खोद के निकाल लिए जी। हाँ, एक पटवा नहीं रहे कि पब्लिक मारे से तो बच जाए कम से कम बिचारी। अभी पता चला कोई घटना भी घटी, हम बाइक से कोई गिर गया था? हाँ, बाइक से गिर गया था, अभी एक आदमी ये नहीं जाने कहाँ कहाँ मवेशी लिए थे, तो फिर हम लोग निकाले दो चार आदमी उसको। घटनाएं घटती रहती जी? हाँ, घटना घटती रहती है। ये खुदवाया किसके द्वारा गया है? ये घुटवाए हूँ, यही खुदवाए नहीं, जेपी वाला। अच्छा, जेपी वाला पहले खुदवाया? जी जी। बाद में कौन खुदाया? और बाद में तो यहाँ कौन लगाया था पहले,
ये नहीं जानी तहन। लेकिन सब अवैध रूप से खोद? जी हाँ, अवैध रूप से। खनिज विभाग के अधिकारी नहीं आते कभी यहाँ? अब आवत हो ही सर, हम अनपढ़ आदमी है, ज्यादा जानते नहीं कि हो गए एक बारे जमीन उमीन के बारे में मालूम। सर घटनाएं घटती रहती हैं? हाँ, घटती रहती है जी हाँ। क्या नाम है आपका? राजेश यादव। ये जो खोदा गया है रोड के किनारे चारों तरफ लगभग, ये मेन रोड है दादर, जी जी, किसके द्वारा खोदा गया, कैसी घटना घटती है? अब यहाँ कंपनी का काम चालू था, अब आदमी कहा जाने की कहकर जमीन है, को खुदावत है को नहीं खुदावत, कंपनी का काम चालू रहा जेपी का, अब जेपी जाने की कैसे खुदवा, इसी की स्वयं का खोदी की। जी हाँ, पूरी लीज उसी की है। घटनाएं कैसे घटती हैं यहाँ? घटनाएं होगा वहाँ से स्पीड में गाड़ी में आए, यही मुड़ भरा पछाड़ी है, होगी अक्सर घटनाएं घटती हैं। अभी भी कुछ खदानी चल रही है तो किसके द्वारा खोदा जा रहा है? ये अब हम ना बताए, इसी तरह से जो भी है खोदता रहता है। अब काखर का आदमी नाव देखेगी को खोदा था को बना था। क्या नाम है आपका? मलाई कोरी। बताइए कैसे यहाँ ये अवैध खदानी चल रही है, रोड किनारे चारों तरफ खोद दिया है, कैसी घटनाएं घटती है? अरे वही का खोद दिए ना जे पी के यहाँ, तो जे पी अब फोर छाड़ चली गया था, अब जे पाई से खोद ली सब, कहा कही देख को खोद। कैसी घटना है? बिल्कुल सड़क के किनारे, सड़क के किनारे से बिल्कुल खोद दिया। चलती है रोड, चलती है, रोड जाती है रीवा का और दादर का। कितने गाँव जुड़े हुए हैं इससे? ही दादर है, भर जुड़ा मरहा रहा पत्थरगाड़ी सब जुड़ा है इसमें। कितने गाँव जुड़े हुए? 10-12 गांव जुड़े हुए हैं, या दादर वाली रोड से बहुत मेन रोड में ये मिल जाती जाए, शाहपुर बीड़ा वाली में जुड़ जाती है ये, लगभग रात 11-12 बजे। हाँ, इसमें सगड़ी रात वाहन चलता है, सगड़ी रात पब्लिक निकलती है, 24 घंटा इसमें खतरा है सर, आप आकर देखिए कि कैसा है। बस इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए विराट 24 न्यूज़ पर। नमस्कार।